तो मोदी सरकार एक बार फिर से तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के लिए कुछ देर में लोकसभा में बिल पेश करेगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बिल को पेश करेंगे। तीन तलाक सरकार ने मार्च में तीसरी बार अध्यादेश लाकर तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया था। अध्यादेश अभी लागू है, उसी अध्यादेश पर संसद की मुहर लगाने के लिए बिल पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के लिए ये बिल पास कराना अब तक टेढ़ी खीर साबित हुआ है। दो बार ये बिल लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाकर अटक गया और एक बार फिर से संख्या बल पक्ष में होने के चलते लोकसभा में इस बिल के पारित हो जाने की संभावना है, लेकिन इसे असली चुनौती राज्यसभा में मिलेगी। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, जिस तरीके से तीन तलाक को लेकर के सरकार एक बार फिर से तीसरी बार अध्यादेश ला करके तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का ये कहना कि कुछ बिंदुओं पर अभी चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार के महत्वाकांक्षी बिल है और देखिए 17वीं लोकसभा की आज से शुरुआत हो रही है और सरकार अपना जो पहला बिल ला रही है सदन में वो है तीन तलाक पर बिल। तीन तलाक को खत्म करने के लिए जो इंस्टेंट तीन तलाक का जो तत्काल तीन तलाक दिया जाता है उसको खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसी के मद्देनजर आज लोकसभा में ये बिल लाया जा रहा है। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस बिल को पेश करेंगे। और खास बात यह कि एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू भी इसके पक्ष में नहीं कि जो बिल आ रहा है उसमें संशोधन की वो भी मांग कर रही है। कांग्रेस लगातार इस बिल को लेकर मुखर है। अभी कांग्रेस सांसद से मैं बात कर रहा था पीएल पुनिया से, उनका साफ कहना था कि जिस प्रकार से सरकार इस बिल को ला रही है उसमें जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो है गिरफ्तारी का, क्योंकि अगर तीन तलाक दिया जाता है उसके बाद जो तीन साल की सजा का प्रावधान है वो गलत है और जिस प्रकार से ये पारिवारिक लड़ाई है इसको जो है किसी सजा में नहीं बदला जाना चाहिए। इसमें सजा का प्रावधान खत्म किया जाना चाहिए, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास भले से ही लोकसभा में बहुमत हो, एनडीए के पास भले से ही लोकसभा में बहुमत हो, लेकिन राज्यसभा में उनके पास अभी भी बहुमत नहीं है। जब 2014 से लेकर 19 तक में मोदी सरकार का कार्यकाल था तो उन्होंने लोकसभा से बिल पास करा लिया था लेकिन राज्यसभा में बिल जाके अटक गया था। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की गुजारिश की थी विपक्ष ने, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी थी और अध्यादेश ले आई थी जिसके बाद से वो लगातार लागू थे अध्यादेश। लेकिन जिस प्रकार से सत्र खत्म हुआ, 16वीं लोकसभा का सत्र खत्म हुआ, अब 17वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो गया है, तो ऐसे में ये बिल सरकार आज एक बार फिर से लोकसभा में पास करा के राज्यसभा में भेजेगी। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से राज्यसभा में पिछली बार भी सरकार बिल नहीं पास करा पाई थी उसके पास इस बार भी आंकड़े नहीं है, क्या वो बिल पास करा पाती है। जाहिर सी बात है जिस प्रकार से कल टीडीपी के चार सांसद बीजेपी में शामिल हो गए उसके बाद से कई सारे विपक्षी दल यही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अब जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए अपना यह बिल पास कराने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि जब आज लोकसभा में यह बिल पास होता है तो जो प्रावधान पहली दफा किया गया था कि यानी कि ट्रिपल तलाक देने में, स्टैंड ट्रिपल तलाक देने में जो मुस्लिम पुरुष थे उनको तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया था, क्या वही सजा का प्रावधान एक बार फिर से वही बिल में रहता है। जो बिल पिछली बार पेश किया गया था क्या वही सेम बिल इस बार भी पेश किया जाएगा। हालांकि बीजेपी लगातार वही कह रही है कि जो बिल पिछली बार पेश हुआ था वही पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष लगातार इसी को लेकर अड़ा हुआ है कि उसमें किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जो पुरुष हैं उनको किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाए। तीन तलाक खत्म होना चाहिए लेकिन गिरफ्तारी के जो प्रावधान है उसमें उसको खत्म किया जाना चाहिए, तभी सब समर्थन करेंगे। जेडीयू इसके पक्ष में नहीं है, जेडीयू जो कि एनडीए की सहयोगी है वो भी लगातार इसी बात का विरोध कर रही है कि इसमें जो गिरफ्तारी का प्रावधान है इसको खत्म किया जाना चाहिए, तभी हम बिल के समर्थन में आएंगे। बिल्कुल अविनाश, लेकिन गिरफ्तारी का प्रावधान खत्म करने की बात हो रही है लेकिन उन महिलाओं का क्या जिन्हें व्हाट्सएप के जरिए ट्रिपल तलाक दे दिया जाता था, छोटी छोटी बात को लेकर के नाराज होते थे उनके शौहर तो उन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया जाता था। ऐसे में सरकार ये कह रही है कि प्रावधान में कोई बदलाव नहीं होगा, बिल में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, वही बिल वापस से पेश किया जाएगा और काफ़ी मुस्लिम महिलाओं ने सपोर्ट भी इसका किया था, समर्थन भी किया था, लेकिन विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। क्या इस बार भी ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए साबित होने वाली है? देखिए, जिस प्रकार से आपने भी बात की कि इंस्टेंट जो ट्रिपल तलाक है जैसे कि व्हाट्सएप पे बोल देना या लगातार तलाक 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 बोल के तलाक देना, उन सारे प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही खत्म मान लिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अब नहीं माना जाएगा, यानी कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होते हैं मुस्लिम महिलाओं के साथ उसे अब नहीं माना जाएगा, उसे अब खारिज कर दिया गया है। जहाँ तक बात है सरकार जो कानून ला रही है, सरकार कानून इस बात पर ला रही है इंस्टेंट तलाक जो देते हैं उनको सजा का प्रावधान किया जाए, क्योंकि जो तमाम विपक्षी पार्टियाँ उनका लगातार यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अपने आप खत्म हो गया। अब जो सरकार ला रही है, जो बिल ला रही है, वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष को प्रताड़ित करने के लिए लाया जा रहा है, जो घरेलू
घरेलू महिलाएं हैं उनके पुरुष अगर उनको जो है ट्रिपल तलाक देते हैं तो वो अपने आप स्वीकार नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन जो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ हैरेस करने के लिए किया गया है। ऐसे तमाम सारी विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है जो इस बिल का समर्थन नहीं कर रही है। सरकार के पास लोकसभा में संख्या बल है, लोकसभा में उसे कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी इस बिल को पास कराने में। ऐसा हमने पिछली बार भी देखा था, उसके पास संख्या बल था सरकार के पास, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा में ये बिल पास करा देता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इनके सामने राज्यसभा में आई, क्योंकि राज्यसभा में अभी भी बीजेपी और एनडीए के पास वो संख्या बल नहीं है जिसके दम पर वो ट्रिपल तलाक बिल को पास करा सके। ऐसे में जब राज्यसभा में ये बिल जाएगा लोकसभा से पास होकर, तो सरकार का क्या रुख रहेगा, किस तरीके से विपक्षी पार्टियां को साधती है, किस तरीके से उनसे तालमेल बैठाकर ये बिल पास करा पाती है। क्योंकि हमने पिछले बार देखा था कि तमाम सारे जो दल है, जो बीजेपी के सहयोगी दल है, उनमें से भी कई सारे दल ऐसे थे जिन्होंने इस बिल का विरोध किया था और राज्यसभा में इस बिल को समर्थन नहीं दिया था, जिसकी वजह से ही राज्यसभा में ये बिल नहीं पास हो पाया। और सरकार जैसे ही सेशन खत्म होता था उसके बाद अध्यादेश ले आती थी ताकि जो उनके फैसले हैं वो लागू रहें। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से इस बार भी सदन में लोकसभा में आज लाया जा रहा है बिल, लोकसभा में पास कराने में सरकार को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जब ये बिल राज्यसभा में जाएगा तो किस तरीके से सरकार इसको पास करा पाती है। क्योंकि विपक्ष अब ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेलने लग गई है। जिस प्रकार से कल टीडीपी के 4 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद तमाम सारे विपक्षी दल के नेता का यही कहना है कि तमाम सारे ऐसे सांसद हैं जिनसे बीजेपी संपर्क कर रही है और जिनका वोट बीजेपी चाह रही है, और तमाम सारी पार्टियां ऐसी भी है जिनको सदन में अगर वो समर्थन नहीं करती तो बीजेपी उनसे ये तालमेल करने की कोशिश कर रही है कि सदन से वॉकआउट कर जाएं। अब देखने वाली बात यह कि अगर वो राज्यसभा में बिल जाता है तो क्या जो सहयोगी दल है, चाहे वो जेडीयू की बात हो जिस प्रकार से लगातार वो विरोध कर रही है इस बिल का, या फिर और तमाम सारे वो जो दल है जिनकी संख्या बल के मौजूदगी में ये बिल पास कराना नामुमकिन होगा बगैर उनके समर्थन के, तो क्या वो समर्थन इस बार देते हैं या नहीं, सरकार के सामने ये सबसे बड़ी मुसीबत होगी। सरकार को राज्यसभा में ये बिल पास कराना है जाहिर तौर पर, क्योंकि लोकसभा में उसके पास तो मैंडेट है, लोकसभा में आज ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में किस तरीके से वो पास कराती है सरकार के लिए बड़ी परीक्षा होगी। बिल्कुल अविनाश, ये सबसे बड़ी परीक्षा के साथ साथ एक बहुत बड़ी चैलेंज वो भी तीसरी बार होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने के लिए ये कोशिश कर रही है और एक बार फिर से बिल पेश कर रही है, ऐसे में विपक्ष जिन बिंदुओं को लेकर के विरोध कर रहा है, क्या उस बिंदुओं पर चेंजेस करने की या फिर चर्चा करने की विपक्ष के साथ, ताकि राज्यसभा में भी ये मसला हल हो सके, इसकी भी जरूरत है। जी बिल्कुल, राज्यसभा में जिस प्रकार से पिछली दफ़े ये बिल गया था तो राज्यसभा के जो सांसद थे वो लगातार कहते कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए, सेलेक्ट कमेटी उसको रिव्यू करती और देखती कि कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ी है, क्या क्या दिक्कत है जो तमाम सारी विपक्षियों पार्टियों को इस पर हो रही है, फिर उसके बाद वो उन बिंदुओं को हटाने की बात करती। लेकिन सरकार जानती थी कि अगर ये बिल सेलेक्ट कमेटी के पास जाता है तो जो विपक्ष लगातार आपत्ति जता रहा है गिरफ्तारी को लेकर, उस बिंदुओं को हटाना पड़ जाएगा, इसीलिए सरकार ने अपनी करते हुए उस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा था, जिसके बाद वो बिल राज्यसभा में 2 से 3 बार सरकार ने पास कराने की कोशिश की थी, लेकिन तीनों बार ही सरकार नाकाम रही इस बिल को पास कराने में। इसके बाद सरकार ने अध्यादेश लगातार लाकर और अध्यादेश के जरिए इस बिल को लागू रखा, लेकिन अब जिस प्रकार से 16वीं लोकसभा खत्म हो गई है, 17वीं लोकसभा का जो है सत्र आज शुरू हो रहा है, तो अब लोकसभा में एक बार फिर से पास कराना पड़ेगा, क्योंकि जो 16वीं लोकसभा में जितने भी बिल थे जो लोकसभा से पास थे और राज्यसभा में नहीं पास हो सके थे, वो सारे बिल स्वतः अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, तो उन सारे बिल को एक बार फिर से पास कराना पड़ता है। इसी के मद्देनजर सरकार आज फिर से 17वीं लोकसभा का जो आज पहला सत्र है और आज पहला दिन भी है, तो उसमें सरकार ट्रिपल तलाक बिल ला रही है, 3 तलाक बिल ला रही है, इसको पास कराएगी। जाहिर सी बात है जैसे ये बिल लोकसभा में पास होगा उसके बाद सरकार अपनी मन से जिस तारीख को राज्यसभा में पेश कराना चाहेगी उस तारीख को राज्यसभा में पेश करेगी, लेकिन राज्यसभा में फिर वही दिक्कत आ जाती है कि उसके पास आंकड़े नहीं है, विपक्षी पार्टियों को किस तरीके से वो तालमेल करती है, किस तरीके से उनको साधती है, इसके बाद ही वो इस बिल को पास करा पाएगी। हालांकि कई सारी विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो इस बात का विरोध कर रही है, लेकिन सरकार अंदर खाने से उनसे बातचीत कर रही है, उनसे ये भी बातचीत कर रही है कि अगर आप अपने पॉलिटिकल स्टैंड पे कायम है तो आप सदन से वॉकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा संख्या होती है राज्यसभा के अंदर उसी के 50% जो है मतदान होना चाहिए पक्ष में, तो ऐसे में सरकार चाह रही है कि जो पार्टियां इसके विपक्ष में हैं उनमें से कुछ पार्टियां वॉकआउट कर जाए तो एनडीए के पास बहुमत आ जाएगा, ऐसे में एनडीए इस बिल को पास करा सकती है, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा तमाम सारे ऐसे दल है जिनसे समर्थन के लिए भी बातचीत चल रही है, चाहे वो बीजेडी हो पर विपक्ष जिन बिंदुओं पर बिल्कुल काउंटर अटैक कर रहा है और विरोध कर रहा है, उन मसौद पे बदलाव हुआ है या नहीं ये पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस जानकारी।